हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम फ्रेंड्स पंकज भट्ट और आप देख रहे हैं फ्रेंड्स टेक्निकल ब्रिज। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि आप जेपीजी फाइल को पीडीएफ में कैसे स्कैन करें। ठीक है, आज का हमारा यही टॉपिक रहेगा कि बहुत सारे कस्टमर्स क्या करते हैं कि उनको प्रॉब्लम्स आती है कि उनको जो जेपीजी होता है उसको पीडीएफ में आपको स्कैन करना होता है। तो कैसे करते हैं, मैं आज आपको बताऊँगा इस वीडियो में। आप बने रहिए इस वीडियो को हमारे साथ अंत तक, मैं आपको इसमें बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको चले जाना है स्कैनर पे। L220 नंबर का हमारा एप्सन का स्कैनर है, उसमें आप जैसे क्लिक करते हैं ना, क्लिक करने के बाद आपको इस टैप का एक इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, इजीली आपको मैं बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। कस्टमाइज पर जाना है। ठीक है, कस्टमाइज पे जाने के बाद यहाँ पे कस्टमाइज लिखा हुआ है, फोटो डीपी पे है हमारा, यहाँ पे 240 DPI पे कर लेते हैं। अच्छा रेजोल्यूशन हमको यहाँ पर मिल जाता है इसका। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर फाइल सेव एंड सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पे इस वाले ऑप्शंस पे, जहाँ पे आपको लिखा रहता है कि माई डॉक्यूमेंट्स पिक्चर अदर डेस्कटॉप। आपको ये सेव कहाँ करना है, इसकी लोकेशन फर्स्ट बताता हूँ आपको। लोकेशन जो है आपको डेस्कटॉप में हमको चाहिए। ठीक है, आपका उसके बाद इसका नाम जो है इमेज के नाम से सेव हो जाएगा। ठीक है, आप सीरियल इमेज का नाम आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अपना नाम भी भटजी कर दें। ठीक है, टेक्निकल भटजी। ठीक है, जो भी यहाँ पर इमेज हम स्कैन करेंगे उस पर हर पे लिखा आ जाएगा टेक्निकल भटजी। ठीक है, और उसका सीरियल नंबर जो है 218 है। स्टेप बाय स्टेप ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे है इमेज फॉर्मेट। ठीक है, इमेज फॉर्मेट में आ रहा है आपका यहाँ पे, इसे आप कर देंगे क्लिक। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ऑप्शन से देखने को मिल रहे होंगे कि फास्ट सेकेंड JPG, एंड यहाँ पर आपको मिल रहा है एक PDF। ठीक है, इसे आप क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन पे जाने के बाद आपको ये यहाँ पर साइज वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको पेज का साइज वगैरह मिल जाएगा, पेपर साइज यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसे ऑटोमेटिक ही रहना है। ठीक है, लार्जेस्ट किस स्टेप में आपको वो करना हुआ है। ठीक है, सिलेक्ट योर नंबर ऑफ, कितने नंबर आपको यहाँ पे करना है। उसके बाद कलर का आ जाएगा, आपको कलर करना है ब्लैक एंड वाइट करना है, यहाँ पर सब कुछ लिखा है। इसे यहाँ से कर देंगे सिंपली अप्लाई। अप्लाई करने के बाद अब हमारे यहाँ पर हो चुका है इमेज फॉर्मेट आ गया JPEG, सॉरी फॉर्मेट जी यहाँ पर आ गया PDF। ठीक है, आपको आप यहाँ से कर देना ओके। ओके करने के बाद यहाँ से भी ओके, फिर स्कैन। अब आप इसे स्कैन करते हैं, हैं स्कैन करने के बाद मैं आपको बताता हूँ। धीरे धीरे हमारे यहाँ पर स्कैनर मशीन चालू हो चुकी है। चालू होने के बाद हमारा आधा यहाँ पर स्कैन हो चुका है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा, इसको दिखाता हूँ लाइव करके। इसमें कोई एडिटिंग नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स को प्रॉब्लम आ जाती है स्कैन करने में, उसके बाद उनका JPG का जो है PDF में कन्वर्ट करने में दिक्कत होती है। तो मैं आपके लिए सिंपली यहाँ पर एक ये वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आपको फुल प्रोसेस मैं बताने जाऊंगा कि आप किस तरह से JPG को PDF में फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं इजली घर बैठे। कोई इसमें हार्ड वर्किंग है नहीं, कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है नहीं आपको। जैसे हमारे बहुत से और डॉक्यूमेंट्स ये मांगता है कि आपको PDF ही भेजना होता है ना, तो आप JPG नहीं भेज सकते हो। तो यहाँ पर हम इसे PDF बना लेंगे स्कैन करने के थ्रू, एंड यहाँ पर हमारा हो चुका है, बस थोड़ा सा रहा है, 1 मिनट का और रहा है। वैसे मैं आपको दिखा दूंगा लाइव करके, तो आप बने रहिए हमारे आप वीडियो के साथ। अगर आपने फ्रेंड्स हमारे इस चैनल को ना सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। एक लाइक ज़रूर बनता है फ्रेंड्स इस टेक्निकल वर्जी चैनल को। ठीक है, इस वीडियो में शेयर लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमारे पास यहाँ पर हो चुका है स्कैन। ठीक है, आ गया। अब मैं ओपन होके दिखा देता हूँ आपको, ये हमारा यहाँ पर से कर देंगे कैंसिल शो हो रहा है। अब मैं आपको सिंपली यहाँ पर लेके चलता हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये फाइल है। ठीक है, टेक्निकल भटजी 218 नंबर, इसे हम क्लिक करते हैं, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ओपन ओपन जैसे करते हैं आप, ओपन होके आपके पास ये देखो आप PDF में आ गया है। यहाँ पर लिखा है एडोब एडिटर PDF PDF फाइल है। ठीक है, अब आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ ये फाइल है। इसे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे। अब प्रॉपर्टी में जाने के बाद आपको यहाँ पर साफ साफ देखने को मिल रहा वो हमारी JPG था। ठीक है, जो हमने स्कैन किया वो JPG था, और यहाँ की क्या बन गया, PDF बन गया है ना, यहाँ से PDF बन चुका है इजीली। तो इस स्टेप से आप भी इसे PDF बना सकते हैं। अगर आपको रेजोल्यूशन और ज़्यादा करना है, इसका साइज़ वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी हमारा 230 KB पे है। ठीक है,
उसको आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं वहाँ से, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने डीपी पर चाहिए, कितना आपको एमबी पर वो फाइल चाहिए। ठीक है, आप इस यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर। कैसा लगा आप हमें इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है, एंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत ऑल फ्रेंड्स।